subscribe to ADDA247 YouTube channel and press the bell icon for all the updates on latest videos. Hello everyone, good morning and welcome back to ADDA247. My name is Sonu and this is our daily current affairs show. So in today's show, we are going to discuss some important questions which are related to the yesterday. So aaj ke session hum kuch important questions ke bare mein yahan pe baat karne wale hain. Everyone who is present here, you can like the session and share the session, okay? Aap yahan pe session ko like kar sakte hain, session ko share kar sakte hain. So very good morning to all of you. Yahan par jo aapko dikh raha hoga top screen par, it is be afraid and do it anyway. Doesn't matter whether you will फेल और यू विल पास, बस अपना 100% आपको देना है. यू शुड नॉट बी अफ्रेड. देखो कई बार क्या हो जाता है, कब किसी एग्जामिनेशन के लिए अगर आप लाइफ में बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं तो आपको उस एग्जामिनेशन को लेकर थोड़ा डर होता है अंदर से कि मे बी आई विल फेल. अगर क्या होगा कि अगर मैं फेल हो गया तो. सो आपको ऐसी चीजों के बारे में नहीं सोचना है. और अगर आप अफ्रेड भी है तो टेक इट पॉजिटिवली. जब किसी चीज के लिए आप लाइफ में सीरियस होते हैं तो आपको एक डर अपने अंदर होता है, दैट इज अ पॉजिटिव थिंग. ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको उस डर से जीतना है, डर को पीछे छोड़ना है और डर के आगे जीत है. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से. ओके, सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन. व्हिच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स. पेरेंट्स के लिए जो ग्लोबल डे है वो किस दिन मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है. एंड इट इज सेलिब्रेटेड टू क्रिएट अ सेल्फ लेस लव ऑफ पेरेंट्स. ठीक है, जो पेरेंट्स का हमारे लिए सेल्फलेस लव होता है उसके लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है. अब सेलिब्रेट किस दिन किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर हियर, दैट इज 1st June. तो आपको 1st June यहां से याद रख लेना है. एंड व्हाट वाज द थीम, आपसे थीम भी पूछा जा सकता है. सो थीम वाज ऑनर योर पेरेंट्स. ओके, ऑनर योर पेरेंट्स वाज अ थीम ऑफ दैट डे. ये आपको याद रख लेनी है. ठीक है, आई होप ये वाली चीज याद रखेंगे. अब देखो इसको डिक्लेयर किसने किया था, हु डिक्लेयर्ड दैट 1st June विल बी सेलिब्रेटेड एज अ ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स. सो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अनाउंस्ड दैट एट इट्स हेडक्वार्टर इज इन न्यूयॉर्क. सो हियर प्रेजिडेंशियल इलेक्शंस आर गोइंग ऑन. तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रेजिडेंट कौन है इस टाइम पे. जो प्रेजिडेंट है वो मारिया एस्पिनोसा है, बट सून द प्रेजिडेंट विल बी चेंज. जल्दी जो प्रेजिडेंट है यहाँ के वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगी. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इंडियन सिटी हैज बीन इश्यूड रेड कलर वार्निंग ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर बाय द IMD, दैट इज इंटरनेशनल इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. ये आपको याद रखना है, रेड कलर सिग्नल जो है वो किस सिटी को दिया है IMD ने, ड्यू टू द इंक्रीज इन पॉल्यूशन. पॉल्यूशन उस सिटी में इतना इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से ये रेड वार्निंग दी गई है. ये कौन सी सिटी को दी जा सकती है, आप समझ सकते हैं. ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर, दैट इज दिल्ली. यानी दिल्ली को यहाँ पर क्या दिया गया है, वार्निंग दिया है IMD ने. नाउ द क्वेश्चन फॉर यू इज, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ IMD, इंटरनेशनल जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है. सो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, दिल्ली में है. देखो दे आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वार्निंग, लाइक ग्रीन वार्निंग, येलो एंड रेड. दीज वर द काइंड ऑफ वार्निंग दैट इश्यूड बाय द IMD. IMD जो वार्निंग इश्यू करता है वो ग्रीन, रेड और येलो में करता है, एंड वन मोर कलर इज एम्बर. तो इन कलर्स में वो क्या करता है, वार्निंग देता है सिटीज को बेस्ड ऑन द पोल्यूशन क्वांटिटी. वहां पर कितना पोल्यूशन है उसके बेसिस पे. यहां पर आपके लिए क्वेश्चन है, हु इज द हेड ऑफ द IMD, IMD के हेड कौन है. सो KJ रमेश जो है, ही इज द हेड ऑफ व्हाट, IMD. ये चीज भी आपको यहां पर याद रख लेनी है. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज बीन रीइलेक्टेड एज अ प्रेजिडेंट ऑफ बैडमिंटन एशिया. बैडमिंटन एशिया जो है उसके प्रेजिडेंट के रूप में दोबारा किसको नियुक्त किया गया है. यहाँ पर ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है. ABCD ऑप्शन में से यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर हमारा हो सकता है. सो देखिए यहाँ पर जो कैंडिडेट है जिनको वहां पर अपॉइंट किया जाना है, ही बिलोंग्स टू इंडोनेशिया. एंड ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर हियर, दैट इज एंटोन आदित्य सुबोवो. ओके, तो ये नाम आपको यहाँ पर याद रख लेना है. यहाँ पर एक कैंडिडेट थी जो है हिमांता बिश्वास. हिमांता बिश्वास किससे रिलेटेड है, सो हिमांता बिश्वास इज इंडिया बैडमिंटन प्रेसिडेंट. इंडिया बैडमिंटन जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, हिमांता बिश्वास है. तो ऑप्शन नंबर बी आप उसके लिए बता देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
According to NSSO, National Sample Survey Organization report, India has 20 health workers per 10,000 people. यानी 10,000 मरीज पे दो 20% ऐसे होते हैं जो उनका इलाज करने वाले होते हैं. आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, where is the headquarter of NSSO, that is National Sample Survey Organization. तो ये organization जो है वो हमारा data collect करती है different different fields में, like unemployment से related data collect करती है, health issue से related data collect करती है. तो यहाँ पर जो बोला गया है हेडक्वार्टर कहाँ पर है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का, वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इन न्यू दिल्ली. सो आपको यहाँ पर न्यू दिल्ली याद रख लेना है. अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर 10,000 वहाँ पर मरीज है, दे आर इफ दे आर 10,000 पीपल देन दे शुड बी 22.8%, तो वहाँ पर 22.8% ऑन एवरेज होने चाहिए. बट हमारे जो इंडिया की कंडीशन है वो इससे भी नीचे है. हमारी इंडिया में कितने यहाँ पर जस्ट 20 हैं. सो दिस इज रियली बैड सिचुएशन. आप देख सकते हैं कितनी बुरी यहाँ पर सिचुएशन है ये. यहाँ पर अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा हेल्थ केयर के लिए वहाँ पर अवेलेबल जो डॉक्टर्स हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं, फर्स्ट नंबर पर कहाँ पर हैं, दिल्ली में हैं. दिल्ली में सबसे अच्छी फैसिलिटीज़ हैं किसके लिए, आप हेल्थ केयर के लिए और हॉस्पिटल के लिए. सेकेंड पर आता है हमारा केरला, थर्ड इज पंजाब एंड फोर्थ इज हरियाणा. सो दीज आर फोर स्टेट विद द बेस्ट डॉक्टर्स एंड बेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटीज. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज बिकम साउथर्न मोस्ट सिटी इन द वर्ल्ड. अभी साउथर्न मोस्ट सिटी जो है वर्ल्ड की वो कौन सी सिटी बन गई है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है. ए बी सी डी ऑप्शन में से यहाँ क्या करेक्ट आंसर हो सकता है. सो यहाँ पर देखिए जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पुएर्टो विलियम्स. ओके, पुएर्टो विलियम्स इज द करेक्ट आंसर हियर. वो सिटी कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है, चिली. चिली की कंट्री है वो है ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर हियर. चिली की कैपिटल क्या है, क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ चिली, ये आपको बताना है. So, इससे पहले देखो साउदर्न मोस्ट सिटी कौन सी सिटी थी, अर्लियर अर्जेंटीना सिटी वॉज द साउदर्न मोस्ट, बट अभी क्या हो गया है, पुएर्टो विलियम्स जो है वो साउदर्न मोस्ट सिटी हो गया है. दिस इज इन चिली. चिली की कैपिटल क्या है, सैंटियागो है एंड द करेंसी इज पीसो. सो ये चीज आप यहाँ पर इस क्वेश्चन से याद रख लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स वीमेन पायलट टू फ्लाई द हॉक जेट्स. हॉक जेट्स को फ्लाई करने वाली फर्स्ट वीमेन पायलट कौन बन गई है इंडियन एयरफोर्स में, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है. सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मोहना सिंह. मोहना सिंह का जो नाम है आपको यहाँ पर याद रख लेना है. वन मोर क्वेश्चन फॉर यू, हु इज द चीफ ऑफ एयर स्टाफ. हमारे एयर स्टाफ जो है उनके चीफ का नाम क्या है. सो यहाँ पर जो आपको पता होना चाहिए, देखते सबसे पहले कौन आंसर करता है, बीरेंद्र सिंह धनोआ जो हैं, कौन है वो, ये जो है हमारे एयर चीफ हैं. ओके, सो ही इज द एयर चीफ ऑफ इंडिया, ये आपको याद रख लेना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हु इज गिवन 3 month एक्सटेंशन. देखो उनका जो टाइम पीरियड था वो पूरा हो चुका है लेकिन उनको 3 महीने का एक्सटेंशन दिया है. हमें पता होना चाहिए हु इज द डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, डिफेंस सेक्रेटरी कौन है. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर हियर, दैट इज संजय मित्र. संजय मित्र इज द डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया. वन मोर क्वेश्चन फॉर यू, आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है हु इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर कौन है. तो पहले हमारे डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी थी, नाउ द डिफेंस मिनिस्टर इज राजनाथ सिंह. सो राजनाथ सिंह इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया. सो आपको ये याद रख लेना है. अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है हु इज द चीफ ऑफ नेवी स्टाफ, नेवी स्टाफ के चीफ कौन है. सो पहले सुनील लांबा जी थे लेकिन अभी उनकी जगह जो अपॉइंट किया गया है वो है करमबीर सिंह. सो करमबीर सिंह इज द चीफ ऑफ नेवी स्टाफ. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज सैंक्शन रुपीज 384 करोड़ फॉर ओल्ड एज पेंशन स्कीम. ओल्ड एज पेंशन स्कीम के लिए 384 करोड़ जो रुपया है वो कौन सी गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है. सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज बिहार. बिहार विल बी द करेक्ट आंसर हियर. नाउ द क्वेश्चन इज हु इज द चीफ मिनिस्टर एंड हु इज द गवर्नर ऑफ बिहार. बिहार के चीफ मिनिस्टर गवर्नर कौन है, यहाँ पर आप बता सकते हैं व्हाट आर द फेमस नेशनल पार्क्स इन बिहार. बिहार का फेमस नेशनल पार्क कोई एक जिसका नाम आपको पता हो तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. सो यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर हैं वो नीतीश कुमार हैं.
एंड द गवर्नर इज लालजी टंडन. ठीक है, यहाँ का एक फेमस नेशनल पार्क है जो कौन सा है, वाल्मीकि नेशनल पार्क. इस पेंशन स्कीम के अंडर क्या किया जाना है, जो 60 से लेकर 79 तक एज ग्रुप में जो पर्सन होंगे उनको 400 रुपीज पर मंथ दिया जाएगा, एंड इफ दे आर अबोव 80 देन दे विल बी गिवन 500 रुपीज पर मंथ. तो इस स्कीम के अंडर इतने जो अमाउंट है वो प्रोवाइड किया जाएगा उनको. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज बैंड एडवर्टाइजमेंट एंड सेल ऑफ ई सिगरेट्स. आपको पता है अभी हमने अपना वर्ल्ड जो हमारा वर्ल्ड टोबैको डे था वो 31 मई को गया है, उस दिन उन्होंने अनाउंस किया एक स्टेट गवर्नमेंट ने कि हम जो ई सिगरेट्स का एडवर्टाइजमेंट होता है उसको बंद कर देंगी. तो ऐसा करने वाला स्टेट कौन सा है, यहाँ पर जो हमारा आंसर है, सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज राजस्थान. तो राजस्थान आपको यहाँ से याद रख लेना है. वर्ल्ड टोबैको डे कब मनाया जाता है, 31 मई. आप यहां पर बता सकते हैं इसका फोकस किस पे था, टोबैको एंड लंग हेल्थ. मेन फोकस वॉज ऑन टोबैको एंड लंग हेल्थ, ये आपसे पूछा जा सकता है. वन मोर थिंग यहां पर जो आपको पता होना चाहिए, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है. राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत एंड द गवर्नर इज कल्याण सिंह. कल्याण सिंह जो है वो वहां के क्या है, गवर्नर हैं. यहाँ के कुछ फेमस नेशनल पार्क का नाम क्या है, रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क. तो रणथंभौर ऐसा नेशनल पार्क है जो काफी बार जा चुका है. तो रणथंभौर नेशनल पार्क एंड सरिस्का नेशनल पार्क आर इन राजस्थान. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड मिल्क डे. हम किस दिन वर्ल्ड मिल्क डे मनाते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है. अगेन यू कैन टेल मी व्हाट वाज द थीम ऑफ दैट डे. ये जो वर्ल्ड मिल्क डे था उसका थीम क्या रहा है, ये भी आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. अगर आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ आ रही हैं, यू कैन लाइक द सेशन. ओके, सो देखिए यहाँ पर जो वर्ल्ड मिल्क डे है वो कब मनाया गया है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर हियर, दैट इज 1 जून. 1 जून आपको याद रख लें, इट इज सेलिब्रेटेड एज अ वर्ल्ड मिल्क डे, मिल्क डे. ओके, सो यहाँ पर थीम क्या था आपको कमेंट सेक्शन में बताना, थीम क्या था इसका. सो मिल्क टूडे एंड एवरी डे, मिल्क टूडे एंड एवरी डे वॉज द थीम ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे. ये हमें यहाँ पर याद रख लेना है. यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको मनाती है. सो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज FAO, FAO सेलिब्रेट करती है वर्ल्ड मिल्क डे को. क्वेश्चन फॉर यू इज, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ FAO. तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इट इज इन रोम, इटली. रोम इटली में हेडक्वार्टर है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का. यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है, हु इज द हेड ऑफ FAO, FAO के हेड कौन है. सो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जोश डा, ये हटा देना ठीक है, सिल्वा. सो ही इज द हेड ऑफ व्हाट, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि जो मैंने आपको 10 क्वेश्चंस करवाए हैं इसमें से कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पर ठीक हुए हैं. लास्ट के हमारे 2 क्वेश्चंस बच गए हैं, उनको देखते हैं. विच स्टेट सेलिब्रेटेड इट्स फॉर्मेशन डे ऑन 2 जून. 2 जून को कौन से स्टेट का फॉर्मेशन डे था, ये आपसे पूछा गया है ए बी सी डी ऑप्शन में से. सो जल्दी से यहाँ पर आंसर करो कि कौन सा स्टेट है. जिनको पता है इसका क्या आंसर है वो यहाँ पर स्टेट के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर का नाम भी कमेंट कर सकते हैं. सो देखिए यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, दैट इज तेलंगाना. तेलंगाना इज द करेक्ट आंसर हियर. सो यहाँ पर हमारे लिए क्वेश्चन है, हु इज द चीफ मिनिस्टर एंड हु इज द गवर्नर ऑफ तेलंगाना. वन मोर थिंग, तेलंगाना जो है उसको बाइफर्केट किया गया था किससे, फ्रॉम आंध्र प्रदेश इन 2014. सो इट वॉज सेपरेटेड आउट फ्रॉम आंध्र प्रदेश. यहाँ पर ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए. यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम क्या है, सो आपको यहाँ पर चीफ मिनिस्टर और गवर्नर जो है वो कमेंट सेक्शन में बताने हैं, ये मैं आपको नहीं बताऊंगी. सो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर और गवर्नर जो है आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दिस इज द फाइनल क्वेश्चन. आपको एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के पूरे सेशन का. अकॉर्डिंग टू NSSO, दैट इज नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट, व्हाट इज इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन 2017 एंड 18. देखो यहाँ पर आपको इसके बैक की कुछ स्टोरी पता होनी चाहिए. यू नो व्हाट, NSSO जो रिपोर्ट थी, गवर्नमेंट को पता था कि NSSO रिपोर्ट में क्या आया है कि हमारे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज हो गई है. सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस रिपोर्ट को बाहर नहीं आने दिया, बट फाइनली आफ्टर इलेक्शंस, अब इलेक्शंस के रिजल्ट आ चुके हैं और रिपोर्ट भी यहाँ पर बाहर आ चुकी है, दैट इज
क्वाइट फनी, आपने द हिंदू एडिटोरियल पढ़ा हो तो उसमें इसका बैकग्राउंड में बताया गया था कि कितनी कोशिश की जा रही थी इस रिपोर्ट को बाहर ना आने देने की, तो इसको फेक भी बुलाया गया था कि जो NSSO रिपोर्ट जो आई है वो फेक है, ये है सब है, मतलब ऐसी बातें वहां पर की गई थी। बट फाइनली यहाँ पर जो बात की गई है वो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट की। जो वोंट बिलीव, यहाँ पर जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो है 6.1% एंड इट इज हाईएस्ट इन लास्ट 45 years। लास्ट हमारे अगर 45 years देखे हमारे कंट्री के तो उसमें हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट कब से हुआ है? आफ्टर 2014। एंड द क्रेडिट गोज टू बीजेपी गवर्नमेंट, यहाँ पर ऐसा लोगों ने बोला, काफी कॉन्ट्रोवर्सीज भी रही, तो ये वाली चीज आपको पता होना चाहिए। NSSO जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इट इज इन न्यू दिल्ली एंड इट्स फुल फॉर्म इज नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये रिपोर्ट निकालती है, इट इज अ जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशन जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन के इफेक्ट में नहीं आती है। इसको अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है ताकि यहाँ पर किसी भी दूसरी पार्टी का किसी भी चीज़ का दबाव ना हो, वो बिल्कुल फ्रीली यहाँ पर रिपोर्ट निकाल पाए। तो यहाँ पर 6.1% आपको याद रख लेना है। आंसर जो हमारा है वो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन थे आज के सेशन में जो आपको याद रखने थे। सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस, आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपने कितना यहाँ पर स्कोर किया है, कितना आपका स्कोर रहा है। अगेन वन मोर थिंग, यहाँ पर आप सेशन को शेयर भी कर सकते हैं। ओके, सो वन मोर इन्फॉर्मेशन, आई हैव टू गो फॉर माई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मे बी आई वोंट बी एबल टू कम फॉर टुमोरो और डे आफ्टर टुमोरो। सो हो सकता है कि मैं आपकी जो मॉर्निंग 5 AM क्लास है वो ना ले पाऊँ। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट। ओके, सो कीप प्रिपेयरिंग एंड डोंट बी अफ्रेड, बस अपना 100% दो और ये मत सोचो कि रिजल्ट क्या होने वाला है। कुछ ना कुछ तो रिजल्ट रहेगा ना, बट इस टाइम पे आपका क्या काम है? आपका सिर्फ काम है कि आप 100% दो। डजंट मैटर आप उस एग्जामिनेशन में पास होते हो फेल होते हो, जब आप बिना किसी प्रेशर के बिना किसी डर के कोई एग्जामिनेशन देने जाते हो ना, यू गिव योर रियली 100%, आप अपना 100% वहाँ पर देते हो। सो चलो आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। Subscribe to ADA247 YouTube channel and press the bell icon for all the updates on latest videos.